स्वागत है आप सभी के नहर कमाल एपिसोड में। आज एपिसोड में आप इस समय मैं जा रहा हूँ अभी चक्राता, एक जगह है देहरादून से 90 किलोमीटर दूर, वहाँ जा रहा हूँ। घर में बताया नहीं, अभी बताना है कॉल करके कि चक्राता जा रहा हूँ। और बाय द वे जा रहा हूँ अभी आज पहली ये दिस इज़ माई फर्स्ट राइड विद माई फ्रेंड्स। और जो फ्रेंड्स जा रहे हैं उनसे अभी मिलवाता हूँ आपको अंदर। अभी हम लोग रुके हैं राजा रोड, एक जगह है वहाँ पर अभी हम लोग रुके हैं। ये संदीप फास्ट फूड। अब चलते हैं फिर अंदर शॉप के और बात करते हैं आगे। भाई मेरे साथ जो ट्रैवल कर रहा है, जो पल्सर खड़ी थी बगल में, वो ड्राइव कर रहा है हमारे अर्पित भाई। और जो दूसरे हमारे साथ ट्रैवल कर रहा है उनको मैं बैक कैमरा दिखाता हूँ। दोनों लोग काफ़ी बिजी चल रहे हैं अभी। हाँ तो ये दूसरे हैं, ये हमारे रूममेट यूनुस। और बाय द वे सबने अपने लिए अभी पराठा ऑर्डर किया हुआ है, तो पराठा खाएँगे फिर चलेंगे राइड में आगे। ये आ गया हमें पराठे। कौन सा पराठा है? आलू प्याज। कौन सा है? आलू प्याज पराठा। अभी कितना टाइम हो गया? अभी निकले भी तो नहीं हो सही से, यहाँ से 2 घंटा तो छोटी अभी भी चलो चुप हो जाता हूँ। वीडियो हो रही रिकॉर्ड ना। वी आर डन विद द ब्रेकफास्ट, अच्छा नाश्ता था। अब चलते हैं चक्राता, क्योंकि यहाँ से वो लोग बता रहे हैं कि 2 से 2.5 घंटे आराम से लग जाएंगे अगर हम लोग 60 की स्पीड मेंटेन करके चलेंगे, जो कि मुश्किल होगी क्योंकि वो यहाँ से जो आगे जब 40 चक्राता शुरू होता है तो वहाँ से 40 किलोमीटर का रास्ता है, वो पहाड़ी वाला ऐसे घूम घूम के, तो उस पर 60 किलोमीटर की स्पीड मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। तो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और आप शॉर्ट्स एंजॉय करो। आप चले भाई अर्पित? हाँ चलो भाई चलो। अरे नहीं आ पाएंगे वो भाई, सीन दे तो चक्राता के 29 किलोमीटर पहले रुके हैं और बस एक चाय और टी ब्रेक के लिए। और यार इतना ज़्यादा खतरनाक रास्ता है, आपने अभी तक एक्शन कैमरा की और वीडियो देख ही ली होंगी और ऑडियो में मैंने कुछ कुछ बोला था। यूनुस तेरे रास्ते के बारे में बताओ। रास्ता तो बहुत खतरनाक है, मज़ा आ गया यहाँ भाई, लिटरली मेरी बिल्कुल फटी जा रही है एकदम। तो स्टीप सबसे गंदी बात है, स्टीप कर्व्स है और एकदम से जो स्टीप कर्व है, अच्छी ख़राब बात सबसे ये है कि स्टीप कर्व है, चलो वो तो कोई नहीं यार होते हैं पहाड़ों में। उसके बाद जो बिल्कुल स्टीप है ना, उनमें जब आप सीधे हो गए तो उनमें कोई बैरिकेटिंग नहीं लगी, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब पार्ट है। और बीच में रोड बोर्ड बन रही है और बीच में ऐसी गंदी गंदी बातें लिखी हैं कि पत्थर गिरने का भय है, तो और आदमी की फटके बिल्कुल नहीं होते, फटके चौराहा हो जाए बिल्कुल यार वही हो जाए। और इनसे पूछो, इनसे भाई रास्ता कैसा? यार हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर इनसे पूछो, यही आपके दिखाई भाई बहुत यार हमें तो के चलते रास्ते की वजह से व्लॉगिंग करने की वजह से भाई बहुत डर लग रहा है यार, पर चलो यार कोई बात नहीं, होता है ऐसा, तो इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं लोगों की दुआओं से हम यहाँ आए, नहीं तो भाई हम तो आधे रास्ते से वापस जाने वाले थे भाई, इतना डर लग रहा है। अब भाई हम तो चला भी नहीं रहे गाड़ी, हमने आधे रास्ते तक चलाई, मेरी इतनी फट गई थी एक दो स्टीप कर देख के भाई, हमने अर्पित को दे दिया, हम हाथ पैर मुँह नीचे करके बैठे थे, तभी हम कोई वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड कर रहे एक्शन कैमरा से, क्योंकि भाई एक्शन कैमरा वीडियो रिकॉर्ड करो जिस तरफ कैमरा घुमाओगे उस तरफ देखना पड़ेगा। ये पल्स लाग देते रहते हैं, एक और ये दे चुके हैं, ये पल्स खिला खिला के हमारी फाड़े दे रहे हैं पूरी तरह से। और जिस लड़के ने भेजा था उसके भी आपको ऑडियो सुनाते हैं ये। अब भाई को फ़ोन मिला रहे हैं आश्रय भाई, जिन्होंने हमारे क्लासमेट है, काफ़ी अच्छे दोस्त भी है, उन्होंने उनकी वजह से हम सिर्फ स्कूटी से आए, तो देखो उनको फ़ोन लगाया, देखिए क्या बोलते हैं ये ट्रैवल बग की, तो तुम्हारी ये फटी जा रही रोड पे, ये लो बात करो लो। हेलो
अब यार आश्रय भाई तुमने स्कूटी से भेज दिया भाई, मेरी फट गई यार। क्या हो गया भाई? बहुत डर लग रहा है, बहुत खतरनाक रास्ता है। अबे हमको तो कुछ नहीं लग रहा है। अबे अभी इसने घर में ये नहीं बताया कि स्कूटी से है, तो बताया भी नहीं, जा भी नहीं, सिर्फ ये बताया। हाँ अबे भाई बहुत डर रहा, मस्त रास्ता है ये लोग तो भाई, हिम्मती है मैं तो टट्टी लगाई सही में भाई, मैं लग रही लगने लगी अभी। अभी हम लोग 29 किलोमीटर पहले हैं, ग्राम चापन। क्या चीज़? चापन गांव है। अभी शुरुआत है, हाँ अभी और है। अच्छा अब भाई ये लोग, चलो कोई बात नहीं, रखो तो फिर बाद में बात करते हैं फिर। अब देख रहे हो भाई ये लोग तो मजाक बना रहा है मेरा, पर भाई की फट जा रही है। कोई बात नहीं, बस दुआ मनाओ कि वापस शांति से वापस चले आए और ये वीडियो अपलोड हो जाए किसी तरह। तभी तो इसने हमको बस किया। अब चलो यार अब आगे चलते क्योंकि लेट हो रहा है, बिकॉज अभी हो गया है 1 बज गया है, तो मैक्सिमम वहाँ पे अगर 2 बजे तक पहुँच जाते हैं हम लोग चक्राता, वहाँ पे जाके वहीं पे जाके मैं तो कुछ खाऊंगा, यहाँ कुछ खाया नहीं मैंने, इन्होंने चाय वाय पी लोगों ने, तो वो जाके वहाँ पे जाके क्योंकि फटी फटी तो क्या खाएं इस समय, पर वहाँ जाके कुछ खाएंगे। तो चक्राता पहुँच के फिर आपसे मिलते हैं, और आप रास्ते रास्ता देखो हिम्मत करके एक्शन कैमरा निकाल के वीडियो बनाते हैं, बाकी देखते हैं खुदा ना खासता कुछ गलत हो भाई अच्छा हो जाए। ओ ओए चलो वापस हो जाए। सही कहा जो लोग सलाह दे रहे थे कि भाई संभाल के जाना, सही कह रहे थे। अबे बसेस वाला रूट नहीं है, दूसरा है क्या चक्राता का? हमें भी लग रहा है एक बस नहीं थी चक्राता, कैसे आते हो? बस आती है, मैं चल रहा था कि अपने बसों में लिखा देखा है रास्ता बस नहीं। पता नहीं कहाँ चले गए वे, बोल मिला एक और रुक के। सो जस्ट नाउ वी हैव रीच चक्राता, और यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी पड़ी यहाँ पे, आपने लास्ट लेवल क्लिप्स में देख ही ली होगी। और बाकी हम लोग मेन जो चक्राता यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है वहाँ पे खूब सारी पड़ी थी, बट वहाँ नहीं रुके क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो अच्छे से व्लॉगिंग भी नहीं हो पाती, फोटो भी नहीं खींच सकते जहाँ खींचना, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे आ गए हैं। और आप पीछे में देख सकते हो पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी है, देखिए बहुत मस्त बर्फ़ गिरी यार। उस समय यार लास्ट वीक में घर चला गया था, वरना उसमें तो बर्फ़ गिर रही थी, मेरा फ्रेंड आया था, मज़ा आ गया होगा यार। अब मैं आपको बैक कैमरे से व्यू देता हूँ, और सामने जो पहाड़ है वहाँ तो भाई साहब सिर्फ वाइट, पूरा वाइट दिख रहा है यार वो तो, पर वो मेरे कैमरे साफ नहीं दिखेगा, वो आगे जाके जहाँ से साफ दिख रहा हुआ इस पॉइंट से तो नहीं साफ दिख रहा क्योंकि सामने तेरा पेड़ है, ये पीछे मेरे, पर जिस जगह से दिखेगा उस जगह से मैं आपको दिखाऊँगा। और अब आगे चलते हैं, बर्फ़ इन्जॉय करते हैं चल के, बस यहाँ पे बर्फ़ और कुछ नहीं देखने लग चक्राता में, हम लोग बर्फ इन्जॉय करने आए थे। कमांडोस हाउस जोश, अबे इधर आओ बे अर्पित, आगे इधर बर्फ पड़ी हुई है साफ सामने। बहुत बहुत स्लिपरी है भाई, यूनुस गिर गए ना, उतरे हैं कैसे तो हमें भी नहीं पता है। भाई यूनुस तो ऊपर आ नहीं पा रहा, वो डर रहा है पता नहीं क्यों, पर यहाँ बिल्कुल साफ पड़ी बर्फ नहीं होती, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल क्लियर बर्फ पड़ी हुई है मेरे पीछे, और बिल्कुल ऊपर तक पड़ी हुई है ये, देखो वाह बढ़िया, मज़ा आ गया यार बहुत सही। और भाई कंग्रेचुलेशन आप आ गए भाई ने देखो अचीवमेंट क्या हुआ,
जूते और स्लिप कर रहे हैं मेरे। हाँ तो स्लिप करेंगे ना, स्पोर्ट्स शूज पहन के आना चाहिए था। वही तो गलती करी, स्टाइल मारोगे तो। चलो अब बाकी लौंडे काफी जोश में है, अब बजाया जाए आई एम एल्बेट्रॉस और मत समाज की। भाई साहब भाई मजा आ गया यार, बहुत ज्यादा वर्थ आना था, बिल्कुल वर्थ आना था फोटोज और वीडियोस के चक्कर में आपको दिखाने के लिए। पीछे की बर्फ मस्त बर्फ है, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं अच्छी अच्छी फोटोज, एंजॉय करते हैं गाने सुन के, उसके बाद फिर आगे चलते हैं कुछ पेट पूजा करने, फिर बस यहाँ से निकलेंगे 4 बजे तक, यहाँ से निकल लेंगे जिससे कि 6 बजे तक पहाड़ वाला रास्ता क्रॉस हो जाए, फिर अपना वो वाला रास्ता तो जो प्लेन्स पे रास्ता है वो रास्ता तो अपना आराम से ऐसे ही क्रॉस हो जाता है, मतलब रात में ही क्रॉस कर सकते हैं। बस यही है, अब बस थक गया यार ऊपर चढ़ने आने में, काफ़ी टेंशन थी पर कोई बात नहीं, चढ़ गए बस, अब ये सब करते हैं फिर चलते हैं आगे। बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। अभी मेरे साथ इतनी ज़्यादा फनी चीज़ हुई, मैं उधर ऊपर से ऊपर चढ़ा था फोटो खिंचवाने वीडियो बनाने के लिए, तो ऊपर से उतर रहा था तो वो बीच में एक जगह पड़ती है, उधर से मैं एकदम धम से उतर रहा था तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्लिपरी था। क्या कर रहा यार ये तुम? हाँ तो भाई इतनी ज़्यादा स्लिपरी था वो, मैंने एक पैर घुसा दूसरा पैर फिसला तो एक बार तो गिर गया, दूसरी बार इतना खतरनाक गिरा भाई, बहुत चोट लग गई है। अर्पित जरा भाई बैक कैमरा दिखाना मेरे, जो पीछे गंदा हुआ है ये देखो भाई, बहुत ज़्यादा गंदी लगी यार, तो दर्द भी हो रहा है यार। मारो पैर के मार। ओवरऑल मज़ा आ रही है एंड सो फार वेरी गुड, बहुत अच्छी जगह है, एक बार आप आके विजिट कर सकते हो, पर तभी जब बर्फ गिरी हो, क्योंकि तब उसके अलावा आपको यहाँ कोई मज़ा नहीं है। बाकी एक सिंपल सा गांव है जहाँ थोड़े बहुत होटल्स हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं आके, बाकी यहाँ कोई देखने लायक जगह नहीं, और मंदिर अंदिर हैं कुछ, तो बस मतलब मेन अट्रैक्शन यहाँ का बर्फ है। जिस समय इसी समय आप जनवरी फरवरी बस इन दो मंथ्स आओ, अगर वही पता करके कि यहाँ बर्फ गिरी है कि नहीं, बर्फ गिरी हो तभी आओ, बाकी तो बहुत अच्छा है। अब मैं आगे चलता हूँ, यहाँ से निकलते हैं हम लोग, थोड़ा इन्जॉय करेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे, और निकल के वो सामने जो आपको पहाड़ है वो दिखाएंगे, और फिर पेट पूजा करके यहाँ से निकलते हैं, बिकॉज 3:15 हो रहा है, तो यहाँ पे यहाँ से 3:30 तक निकल जाएंगे अगर अच्छा, मैक्सिमम 3:30 या 4 बजे तक मैक्सिमम निकल ही जाएंगे, जिससे कि टाइम पे हम लोग पूरा पहाड़ी क्रॉस कर ले। ये है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाले माउंटेन्स, ये पूरे हिमालय हैं, और देखो पूरा वाइट है, पता नहीं कैमरा क्या जस्टिस कर रहा है, मैंने आपको भी दिखाया ये पूरे हिमालय है, पता नहीं कैमरा जस्टिस कर रहा है कि नहीं, बट बिल्कुल वाइट है, क्रिस्टल क्लियर जो होता है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाइट है यार, मज़ा आ गया। और अब बर्फ तो देखो भाई साहब, पूरी बर्फ ही बर्फ है, तो बस अब यही हो गया, अब जा रहे हैं खाएंगे ठूस के। तो अभी हम लोग उसी वाली शॉप में, हाँ सो गुड इवनिंग एवरीवन, राइट नाउ इट्स 5:45 इन द इवनिंग, और अभी हम लोग उसी वाली शॉप पे रुके हुए जहाँ पे लास्ट टाइम रुके थे, जहाँ मेरी बहुत ज़्यादा फट रही थी, उसी वाली शॉप में रुके हम लोग वापस जा रहे हैं। अभी यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर बचा होगा, मतलब ये पहाड़ी वाला रास्ता 20 नहीं 10 किलोमीटर 10 या 15 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ पहाड़ी वाला रास्ता, सो बस अब जाएंगे वापस यहाँ से देहरादून, देहरादून में जाके बाइक वापस करेंगे जिनसे बाइक ली थी, अंथांग से जिन्होंने बाइक दी, और उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे अपने पीजी हॉस्टल जहाँ भी जो जहाँ भी रहता है, और बस तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, राइड सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, एंड इफ यू एंजॉयड दिस शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, जिसकी आवाज़ पसंद आई वो कर देना, बाय बाय। यूनिट हाउस का जोश अभी रुको बता रहे हैं।